प्राचीन भारत की ऐसी कई जगह है जो आज तक हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। ऐसी ही एक जगह है भीमकुंड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बजना गांव के पास है ये अविश्वसनीय कुंड भीमकुंड, जिसको लोग नीलकुंड के नाम से भी जानते हैं। एक प्राकृतिक जल स्रोत और पवित्र स्थान है जो कि महाभारत काल से मौजूद है। इस कुंड का पानी इतना साफ है कि पानी की गहराई में मौजूद मछलियां भी साफ नजर आ जाती हैं। भीमकुंड का पानी एकदम नीला है, जो कि यहाँ की लाल दीवारों के साथ मिलकर अद्भुत लगता है। मशहूर डिस्कवरी चैनल सहित कई शोधकर्ताओं ने कई प्रयास किए यहाँ के खरे नीले पानी का राज जानने के लिए, और यहाँ की गहराई नापने की कई कोशिश की, लेकिन किसी की भी कोशिश सफल ना हो पाई। यहाँ के पानी का एकदम नीला होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भीमकुंड की उत्पत्ति महाभारत के पांडवों से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब पांडव वनवास पर थे, तब वो इस जगह आए थे। उस दौरान द्रौपदी को बहुत प्यास लगने लगी और उन्होंने पानी मांगा। पांडव पानी की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। उस वक्त भीम, जिसे महाभारत में पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली इंसान बताया गया था, उन्होंने धरती पर अपनी गदा से बहुत जोर से मारा, जिससे ये कुंड उत्पन्न हो गया। इसीलिए इस कुंड को भीम कुंड कहते हैं। आम तौर पर जब कोई पानी में डूबता है तो उसका शरीर अपने आप ऊपर आ जाता है, लेकिन कहते हैं कि इस कुंड में डूबने वाले का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता। एक तथ्य और है जो यहाँ से जुड़ा है। कहते हैं कि भीमकुंड भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदा के बारे में बताता है। कहा जाता है कि जब यहाँ पानी का स्तर 15 मीटर से ऊपर आ जाता है, तो ये एक प्राकृतिक आपदा के आने की निशानी होती है। 2004 में जब सुनामी आई थी, तब यहाँ पानी का स्तर 15 मीटर के ऊपर गया था, और ऐसा ही नेपाल के भूकंप के वक्त हुआ था। गुफा में अंदर आते ही एक तरफ शिवलिंग बना हुआ है, और कहते हैं कि इस गुफा में मौजूद कुंड की गहराई की कोई सीमा नहीं है। इस कुंड में पानी कहां से आता है, इसका सोर्स आज तक कोई नहीं खोज पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।